दोस्तों आज इंडिया के साथ स्कॉटलैंड का मैच है और ये मैच होगा बहुत ही महत्वपूर्ण मैच, और इस मैच के बाद ही ये डिसाइड होगा कि टीम इंडिया जा सकते हैं सेमीफाइनल पे या नहीं। जी हाँ दोस्तों, और इस टीम का जो प्लेइंग 11 है वो लगभग तय है। क्या है मैं आपको बताऊंगा, इसके लिए आपको जूनियर नवकाश पोस्ट टाइम मिलने में ताकि मैं आपको सब कुछ बता सकूं। दोस्तों न्यूजीलैंड के साथ और पाकिस्तान के साथ टीम इंडिया मैच हार के बहुत बैकफुट पे चला गया था और उसके बाद सेमीफाइनल के रेस से लगभग बाहर होते होते रह गया, और वहां पर अफगानिस्तान के साथ जो मैच था वो मैच जीतने के बाद टीम इंडिया को मिला राहत और उससे सेमीफाइनल तक अभी टीम इंडिया इजिली पहुंच सकता है। इजिली नहीं, थोड़ा तो मशक्कत करना होगा, लेकिन दोस्तों टीम इंडिया अभी भी रेस में है। तो आज जो स्कॉटलैंड के साथ मैच है वो मैच होगा बहुत महत्वपूर्ण मैच, और इस मैच में बेस्ट ऑफ द बेस्ट खिलाड़ियों को खेला जाने वाला है। तो दोस्तों देख लेते हैं आज के प्लेइंग 11। दोस्तों ओपनिंग होंगे केएल राहुल और रोहित शर्मा। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों अफगानिस्तान के मैच में बहुत अच्छा किए थे और उस मैच के बाद विनिंग कॉम्बिनेशन इंडिया चेंज नहीं करना चाहेगा। लेकिन दोस्तों अफगानिस्तान मैच में बैटिंग ऑर्डर जो है वो चेंज किया गया था, विराट कोहली वन डाउन पे उतरते थे लेकिन उनको उतारा नहीं गया था, वहां पर ऋषभ पंत को उतारा गया था। तो वन डाउन पे विराट कोहली उतरेंगे इस बार, लेकिन दोस्तों टू डाउन पे सूर्यकुमार यादव जहां पर उतरने वाले थे लेकिन वहां पर उतरे हार्दिक पांड्या। जी हाँ दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन जो है ये अभी नॉर्मल रहेगा और सूर्यकुमार यादव को इस बार रिप्लेस करेंगे ईशान किशन। जी हाँ दोस्तों, ईशान किशन बहुत अच्छे फॉर्म में है और बहुत ही बिग हिटर बैट्समैन है, तो सूर्यकुमार यादव की जगह ईशान किशन खेलेंगे। और इसके बाद पांचवें नंबर पे आएंगे ऋषभ पंत। ऋषभ पंत भी बहुत अच्छे फॉर्म पे है और पिछले मैच में भी अच्छा रन मिला था ऋषभ पंत को। इसके बाद छह नंबर पे आएंगे हार्दिक पांड्या, क्योंकि वो बॉलिंग भी कर रहे हैं अभी, तो हार्दिक पांड्या को अभी हटाया नहीं जाएगा। और उसके बाद आएंगे सात नंबर पे रविंद्र जडेजा, जो कि टेलेंडर बैट्समैन के रूप में बहुत अच्छे हैं। और उसके बाद बॉलिंग ऑल राउंडर होंगे रविचंद्रन अश्विन, जो कि एक मात्र स्पिन बॉलर होंगे, और उसके बाद शार्दुल ठाकुर जो कि अच्छा खासा बैटिंग भी कर लेते हैं और पेस बॉलर है। उसके बाद मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह, ये दोनों पेस बॉलर होंगे। दोस्तों यही प्लेइंग 11 के साथ टीम इंडिया उतरने वाले हैं स्कॉटलैंड के साथ मैच खेलने, क्योंकि यहाँ पर नेट एंड नेट को बनाना है तो इसलिए चाहिए धुआंधार बल्लेबाज। तो धुआंधार बल्लेबाज के रूप में ईशान किशन का इजाफा होगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच पाएगा या नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा। दोस्तों मुझे इंतजार है दोस्तों आपके मीठे मीठे कमेंट का।